हेलो एवरीवन, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में अच्छे से अच्छे पॉइंट को इंक्लूड करूँ। आज आपको पांच ऐसे इम्पोर्टेंट कारण बताऊंगा जिसके वजह से पाकिस्तान आधा बर्बाद हो चुका है और आने वाले टाइम पे पूरा बर्बाद होने की उम्मीद है। पाकिस्तान का हद से ज्यादा अनस्टेबल होने से भारत का फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए परमाणु हथियारों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय होगा भारत के लिए। सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का चीनी मोह। भारत का इतना खौफ है पाकिस्तान को कि उसके चक्कर में पाकिस्तान अपने पूरे देश को भी चीन के हाथों में गिरवी रखने को तैयार है। चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए $62 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। इसको लेके कोई पारदर्शिता नहीं है, किसी को नहीं पता चीन कितना पैसा लोन के रूप में दे रहा है और कितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी साल जब बिजली का दाम पाकिस्तान में कई गुना बढ़ गया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑडिट कराया बिजली कंपनियों का, तो खुलासा यह हुआ कि चीनी कंपनी धड़ल्ले से करप्शन कर रही है। और जब इसको लेके चीनी कंपनियों को शिकायत किया गया तो उसने बोला, हम सही दाम वसूल रहे हैं जैसा कि पहले डील हुआ था। इसलिए मैंने पहले बोला, किसी को कुछ पता नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान से क्या डील किया है। पाकिस्तान इतना बड़ा मूर्ख है, उसे सोचना चाहिए जो चीन अमेरिका और यहाँ तक कि अपने सबसे क्लोज्ड एलाय रूस को भी धोखा दे सकता है तो पाकिस्तान उसके सामने चींटी के समान है। चीन आगे चल के पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा करने के फिराक में है। उसके बाद पाकिस्तान अपने आप ही चीन के ऊपर पूरे तरह से डिपेंड हो जाएगा और चीन जो चाहे मनमानी करेगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान चीन का एक कॉलोनी भी बन जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा। दूसरा बड़ा कारण है, जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है तब से इमरान खान और उसके मंत्री गाली गलौज पे उतर आए हैं। जैसे एक दूध पीते बच्चे को कार का स्टेयरिंग दे दे चलाने के लिए, वही हाल है इमरान खान और उनके पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस कई बार बंद किया, भारत से व्यापार खत्म करने का निर्णय लिया, या फिर विश्व के हर मंच से भारत के खिलाफ मर्यादा से बाहर होके अनाप शनाप बोलना। इन सब वजह से भारत भी अपने एग्रेसिव डिप्लोमेसी में आया और पाकिस्तान को हर एक वैश्विक मंच से आइसोलेट करते चला गया। एक बहुत बड़ा भूल पाकिस्तान ने यह कर दिया कि इस्लामिक देशों से बैर मोल लिया, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई से। पिछले साल जब यूनाइटेड नेशन में इमरान खान स्पीच देने गए थे तो उन्होंने एक अनाउंस किया कि पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया एक इस्लामिक चैनल स्टार्ट करेंगे जो पूरे दुनिया में इस्लाम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पाकिस्तान इस्लामिक देशों के लीडर बनने के चक्कर में और मलेशिया टर्की के तलवे चाटने के चक्कर में सऊदी और यूएई से टक्कर ले लिया। वहां से लगातार पाकिस्तान पागलपंती किए जा रहा है। हाल में ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद शाह कुरैशी ने भड़काने वाला बयान दे दिया। एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा ओआईसी नहीं उठाएगा तो पाकिस्तान अलग गुट बनाएगा। यह बात आग में घी डालने का काम किया और सऊदी ने तत्काल पाकिस्तान को कच्चे तेल में दिए रियायत खत्म किया और जितने बकाए पैसे हैं उनको लौटाने के लिए कहा। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा भागे सऊदी अरेबिया वहां के प्रिंस को मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बाजवा से मिलने तक से इनकार कर दिया। एक तरफ बाजवा बेइज्जत होके घर लौटे और दूसरी तरफ कुरैशी चीन दौरे पे चले गए। सोचने वाली बात है कि ऐसा तुरंत रिएक्शन से सऊदी और ज्यादा भड़केगा। देखो, इसका सिंपल उदाहरण है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, वही हाल है पाकिस्तान का इस वक्त। उम्मीद कम ही है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इतनी आसानी से माफ करने के मूड में है। एक बड़ा कारण है पाकिस्तान के बर्बादी का, वो है आतंकी गुट को सपोर्ट देना, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियली। पाकिस्तान सालों से FATF के ग्रे लिस्ट में है, उसके वजह से पाकिस्तान में
ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और ना उसे जल्दी कोई लोन देता है। इतना सब झेल रहा है फिर भी लगातार पाकिस्तान आतंकी गुट को खुला सपोर्ट करता है। उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान FATF के ब्लैक लिस्ट में होगा ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ। पाकिस्तान में आर्मी का ज्यादा पावर होना गवर्नमेंट के मुकाबले भी बड़ा कारण है पाकिस्तान की बर्बादी का, क्योंकि आर्मी वाले पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आर्मी का हिस्सेदारी होता है। ऐसी आर्मी दुनिया में आपने कभी देखा है जो गवर्नमेंट भी चलाए, बिजनेस भी चलाए और सेना भी, वो भी एक ऐसे देश में जो खुद को एक डेमोक्रेटिक देश मानता हो। जो भी हो, लेकिन एक बात पक्का है कि पाकिस्तान अभी भी भारत से नफरत नहीं छोड़ा, तो उसे बर्बाद होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो।